नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष जितना बाढ़ आता है उसका 60% केवल बिहार में आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी के बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा एक समय के बाद अपनी धारा बदलते रहती है और उसकी यही बदलती धारा बिहार के विकास की धारा को अपनी बाढ़ की पानी से पीछे धकेल देती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों, कब और कैसे कोसी नदी बिहार का अभिशाप बन गई। कोसी नदी का इतिहास काफी पुराना है। महाभारत और रामायण में भी इसका वर्णन कौशिक नदी के नाम से किया गया है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से दाखिल होती है और 260 किलोमीटर की यात्रा कर कुरसैला के पास गंगा में मिल जाती है। नेपाल में कोसी नदी कंचनजंगा के पश्चिम में स्थित है। इसकी 7 प्रमुख सहायक नदियां सूर्यकोसी, तमकोसी, दूधकोसी, इंद्रावती, लिच्छू, अरुण और तमार हैं, एवं इन्हीं कारण नेपाल में इसे सप्तकोसी नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार में शोक नदी के नाम से पहचाने जाने वाली कोसी नदी अपनी धाराओं में बदलाव कर हर साल विनाश लीला का नया तांडव दिखाती रही है। इसकी मचलती धाराओं ने न सिर्फ दिशा बदली बल्कि हर बार एक बड़े भूभाग को आगोश में लेकर विनाश की नई कहानी लिखी है। तेजी से धारा बदलने के लिए बदनाम कोसी 1731 में फरबिसगंज पूर्णिया के पास बहती थी, जो पश्चिम की ओर खिसकती चली गई। 1882 में मुरलीगंज होते हुए 1922 में मधेपुरा और फिर 1936 में सहरसा, दरभंगा, मधुबनी पहुंच गई। इस तरह 250 साल में इसने 120 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर अपना विस्तार कर लिया। कोसी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन के समय से ही कई प्रयास किए गए, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के बाद 1954 में बांध बनाकर इसे एक दिशा में बहाने का प्रयास किया गया। 1959 में इसे तटबंधों में इसलिए कैद किया गया कि इसकी आक्रामकता को कम किया जाए। 126 किलोमीटर पूर्वी तथा 122 किलोमीटर पश्चिमी तटबंध का निर्माण कराया गया, लेकिन मचलती और धारा बदलने में माहिर कोसी ने बांधों में बंधना स्वीकार नहीं किया और अब तक 7 बार बांध तोड़कर तबाही मचा चुकी है। खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल सहित कई जिलों में इसने तबाही मचाई है। 1959 में 56 फाटकों वाले 1149 मीटर लंबे कोसी बराज का निर्माण कराया गया है। इस बराज का मकसद था कि कोसी में पानी का दबाव कम करने के लिए इसके पानी को सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार आदि जिलों में 2269 लाख एकड़ क्षेत्रफल में करीब 2887 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाकर सिंचाई में इसका भरपूर उपयोग किया जा सके। लेकिन पहले 1963 और फिर 1968 में कोसी ने बांध तोड़ अपनी धाराओं में बदलाव जारी रखा। मार्च 1966 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कोसी नदी के तट पर 1938 से 1957 के बीच में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ क्यूबिक मीटर तलछट यानी गाद जमा हो रहा था। आशंकाएं जताई गई थी कि बैराज निर्माण के बाद भी तलछट जमा होने के कारण कोसी का किनारा ऊपर उठ रहा था और बाद में पानी का दबाव बढ़ने से बांध टूट गया। हालांकि कोसी के विनाश लीला की नई कहानी अभी बाकी थी, जो उसने 2008 में लिखी। 18 अगस्त 2008 को नेपाल के सुरसारी जिले के कुशहा में कोसी के पूर्वी तटबांध टूट गए। तटबांध टूटने से आई बाढ़ से उत्तरी बिहार तबाह हो गया। 500 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, जबकि 25 लाख लोगों को विस्थापित होने का अनुमान। मरने और विस्थापित होने वाले आंकड़े निश्चित रूप से इससे कहीं ज़्यादा होंगे। कहते हैं कि इस बाढ़ ने बिहार को 5 साल पीछे धकेल दिया था। कोसी पर कई लोगों ने अध्ययन किया है, उन्हीं में से एक टीम है पांडुरंग हेगड़े, गोपाल कृष्णा, डीके मिश्रा, सुधीरेंद्र शर्मा, लक्ष्मण सिंह और राकेश जायसवाल की। इन्होंने बिहार में बाढ़ का अध्ययन कर जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह साफ कहते हैं कि बिहार में बाढ़ का हल तटबंध नहीं है। इनके अनुसार तटबंधों ने बाढ़ के साथ हर साल आने वाली लगभग 925 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी, गाद इत्यादि को खेतों में जाने से रोक दिया है। गाद जमा होने के कारण नदी की ऊंचाई लगभग 4 मीटर ऊपर उठ गई है। इस दल के मुताबिक तटबंधों की वजह से आज बिहार में बाढ़ संभावित इलाका 25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर
69 लाख हेक्टेयर हो गया है। इनका मानना है कि भविष्य में भी कोसी नदी बांधों को तोड़कर अपना रास्ता बदलते रहेगी। इस टीम की रिपोर्ट में दम है क्योंकि तटबंध बनाने के बाद 1968, 1971, 1980, 1984, 1977, 1991, 2008 में तटबंध टूटने की घटनाएं हुई हैं। इतने कम अंतराल में तटबंध टूटने की यह घटना यह साबित कर रही है कि बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य को यह तटबंध पूरा नहीं कर पा रहा है। 2016 के बाद से कोसी नदी का दबाव पश्चिमी तटबंध पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में कोसी उफान में रहती है और हर साल न जाने कितने लोग इसके विकरालता के शिकार हो जाते हैं। बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार के तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, हालांकि यह जरूर है कि बिहार को उन कदमों से कुछ खास सफलता अभी तक हासिल नहीं हुई है। इस वर्ष मानसून समय पर आया है और लगातार बारिश के कारण कोसी नदी में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिहार सरकार का कहना है कि उसने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बचाव के सभी तैयारियां कर ली हैं, जिस कारण इस वर्ष बाढ़ से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बिहार सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त आने पर मालूम चल जाएगा, लेकिन आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं तो अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद।